मेमल्स यू कैन इजली आइडेंटिफाई ए मेमल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल मेमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी दे गिव बर्थ टू यंग वंस मेमल्स मीन्स क्या होता है स्तनधारी यानी कि दूध पिलाने वाले एनिमल्स तो बच्चों को दूध पिला हर कोई थोड़ी ना दूध पिलाते हैं हर एनिमल्स दूध पिलाता है क्या नो मैम पिलाते हैं हर कोई एनिमल दूध पिलाता है बोलो पिलाता है क्या हर कोई एनिमल सांप है सांप पिलाता है स्नेक देखा है कभी मेंढक फ्रॉग हैं तो ये पिलाते हैं क्या नो मैम तो बस उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो दूध पिलाते हैं आया समझ में यस मैम तो यू कैन इजली आइडेंटिफाई हम उनके बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स जो बेसिक तौर पर जिनकी विशेषताएं होती है कैरेक्टर सिटीज यानी कि इनकी क्या क्या दूध पिलाने वालों की क्या क्या विशेषताएं होती है उनके बारे में पढ़ते हैं अपन ठीक है तो ऑल मेमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स सभी ही मेमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उनके क्या होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं हेयर यानी क्या होते हैं बाल हेयर मीन्स फिंगर रखो अपनी अपनी फिंगर हाथ बांध के मत बैठो दे गिव बर्थ टू यंग वंस वो बच्चों को जन्म देते हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमल्स दे अवन टाइप बाय एनिमल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एनिमल्स पर एनिमल्स बड़े होते हैं ना तो एनिमल्स के बड़े होने की जो क्रिया होती है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि वो बड़े होते हैं ठीक है एनिमल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन यानी कि एनिमल्स की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बताओ इस पे जैसे मैं हिंदी बताती हूँ ना आपको तो उसके आगे रिप्रोडक्शन तो आपको हिंदी भी लिख लिया करो रिप्रोडक्शन यानी होता है प्रजनन ठीक है प्रजनन यानी पैदा होना जनन ठीक है तो जो पैदा होते हैं उसकी बहुत बड़ा होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन Mammals reproduce by giving birth to young ones. On the other hand, some animals reproduce by laying eggs. Mammals, जो स्तनधारी होते हैं giving birth जन्म देते हैं young ones. On the other hand, उनके हाथ some animals reproduce by laying eggs. एग्स में से छोड़ एग को बच्चे होते हैं तो एग को छोड़ देते हैं अंडों को छोड़ देते हैं और उनमें से निकलते हैं ना एनिमल्स कुछ एनिमल्स किसमें से होते हैं एग में से किसमें से होते हैं और कुछ तो एनिमल्स के एनिमल्स से हो जाते हैं और कुछ पहले एग होते हैं एग में से एनिमल्स निकलते हैं जैसे मुर्गी है वो पहले क्या देती है एग क्या देती है पहले एग में से अंडे निकलते हैं अंडा एग में से बच्चे निकलते हैं ठीक है
एग लेइंग एनिमल्स आर फिश फ्रॉग क्रोकोडाइल्स लीजर्ड स्नेक टॉर्टोइज एंड ऑल बर्ड। अब देखो एग कौन कौन देता है, किस किस के एग होते हैं, हर किसी का एग होता है क्या, हर किसी का थोड़ी ना होता है एग। तो देखो एग लेइंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, फिश होती है, फ्रॉग होता है, क्रोकोडाइल है, लीजर्ड यानी होती है छिपकली, छिपकली के भी एग होते हैं, ठीक है, स्नेक टॉर्टोइज एंड ऑल बर्ड। और सभी बर्ड्स पक्षी तो सारे ही एग देते हैं, चिड़िया है, स्पैरो वगैरह, पिजन, पिजन के भी एग होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना उड़ते हैं वो सब एग देते हैं, क्या देते हैं वो सब। और जो जमीन पे रहते हैं जैसे फिश है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, हाँ, लिजर्ड मीन्स छिपकली, स्नेक टॉर्टोइज एंड ऑल बर्ड, ये सब क्या देते हैं एग। ये वाले कौन कौन से एनिमल्स है एग देने वाले, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स किस किस के होते हैं, हेयर किस किस के होते हैं। अब आया है नीचे द ईयर्स कैन रियली रियल माय स्टेरीज, ठीक है, द ईयर्स कैन रियली बाय सिंपली knowing whether by simply knowing whether the animals has external ears or not, you can tell many other important factors of the animals, ठीक है। So by simply knowing whether the animals has external ears or not, किसी के external ears होते हैं, so you can tell many other important factors of the animals. Factors यानी फेटर्स, जिसके पंख, स्किन ऑफ एनिमल्स माई बियर फर फेटर्स और स्केल्स किस किस के होते हैं। देखो एनिमल्स में बियर फर, किसी के फर होते हैं, किसी के फेदर्स होते हैं, किसी के स्केल्स होते हैं, है ना। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग एनिमल्स की, अलग अलग सभी एनिमल्स की, बर्ड्स की, इनकी सबके अलग, एक ही जैसे थोड़ी होते हैं सारे। कोई उड़ सकता है, कोई कम उड़ सकता है, कोई बहुत ऊंचा उड़ता है, जैसे चील होती है वो बहुत आसमान में उड़ जाती है, मुर्गी होती है पंख होते हैं लेकिन वो कम उड़ती है, आया समझ में। तो ऐसे सभी एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह सब अलग अलग, सबके अलग अलग होते हैं, ये एक जैसे किस, सारे एनिमल्स एक जैसे, सारे बर्ड्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, देखो फेटर्स, इम्पोर्टेंट फेटर्स बता रहे हैं, जैसे है फर, फेदर और स्केल्स। इफ फर इज एब्सेंट, इफ फर एब्सेंट इज एब्सेंट द एनिमल्स मेनी हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, फेदर यानी होते हैं पंख, फेदर मीन्स पंख, तो बहुत से एनिमल्स के बॉडी पे पंख होते हैं और किसी के फर होते हैं। बर्ड्स हैव फेदर इन पैलेस ऑफ हेयर, जहाँ पे हेयर होते हैं वहीं पे फेदर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हेयर होते हैं वहीं फेदर्स होते हैं।
सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और किसी के एनिमल्स के स्केल्स होते हैं, क्या होते हैं? स्केल्स, ठीक है। तो लेट्स नो मोर अबाउट एनिमल्स, और आगे पढ़ते हैं हम एनिमल्स के बारे में। हैव यू एवर विजिटेड ए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और ए नेशनल पार्क? दे दीज आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव ऑन देयर ओन, दीज आर देयर नेचुरल होम। वाइल्ड लाइफ यानी होती है जंगली जीवन। वाइल्ड लाइफ यानी क्या होती है? हैव यू एवर विजिटेड, हाँ, वाइल्ड नाइल, सब लोग जंगल में रहते हैं तो वाइल्ड लाइफ। दीज आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ लिव, जहां पर जंगली जानवर रहते हैं जंगल में। कहाँ रहते हैं जंगली जानवर? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल, जंगल। तो वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, नेचुरल होम होता है उनका। उनको अपन घर में थोड़ी रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को? उनका एक नेचुरल होम होता है जहाँ पे उनको रखा जाता है। जैसे यहाँ पे रणथंभौर है, रणथंभौर है, तो यहाँ पे अपन उनको पैक करके थोड़ी रख रखा है सभी एनिमल्स को, टाइगर लायन आराम से घूमते हैं। तो उनके लिए अपन एक बाउंड्री है, एक बना देते हैं भाई, इस जंगल में वो रहते हैं, तो उसी जंगल में रहते हैं ना वो लोग, हैं? तो उनका नेचुरल होम होता है वो, क्या होता है? वो अपने नेचुरल होम में रहते हैं, उनको बंद करके थोड़ी ना रखा जाता है, नहीं रख सकते ना बंद करके वाइल्ड एनिमल्स को। नो, हमें जाता है यार, ये बच्चा कुछ तो देयर इज नो ह्यूमन इन्फ्रेंस देयर, वेरी फ्यू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आर अलाउड देयर, दीज व्हीकल डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट। जहाँ पर अभ्यारण या वाइल्ड लाइफ के वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो जगह होती है उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। नेशनल पार्क में बहुत कम लोगों को जाना परमिशन होता है। जैसे अपन रणथंभौर में हर कोई जाता है क्या? नहीं जा सकते वहाँ पे। और वहाँ पर व्हीकल्स यानी कि गाड़िया वाहन साधन भी नहीं भेजते, क्योंकि उससे क्या होता है? पॉल्यूशन। क्या होता है? पॉल्यूशन यार, और वहाँ का एनवायरमेंट होता है वो पॉल्यूट यानी होता है गंदा हो जाता है। किससे गंदा हो जाता है? व्हीकल से। अगर वहाँ पे गाड़ियां जाएगी तो क्या होएगा? क्या होगा वहाँ पे? पॉल्यूशन, गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है ना, तो इसलिए वहाँ पर जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर व्हीकल्स को और लोगों को जाने की कम परमिशन होती है। लिमिटेड लोग जाते हैं और परमिशन लेके जाते हैं, बिना परमिशन के कोई भी नहीं जाता है, ठीक है। दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज एज वेल, वहां पर शोर भी नहीं किया जाता। जैसे आप रणथंभौर में घूमने गए हो कभी, गयो घूमने टाइगर देखने, तो कहते ना बिल्कुल चुप रहो, टाइगर आएगा तभी। जहाँ पर शोरगुल होता है वहां पर उनको शोरगुल भी नहीं करने दिया जाता है। जाते हैं ना अपन, आवाज उन लोगों को पसंद नहीं होती है। तो वी कैन से दैट दीज व्हीकल्स आर नेचुरली फ्रेंड, ठीक है। देयर फॉर एनिमल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दीज व्हीकल्स। फॉलोइंग एनिमल्स कैन बाय लोकेटेड इन रणथंभौर। देखो अपने रणथंभौर का भी नाम आया, नेशनल पार्क। रणथंभौर इज ए नेशनल पार्क। दे लिव देयर इन देयर नेचुरल हैबिट, लिविंग और डेलिंग
पैलेस ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इज हैबिटेड, क्योंकि वहां पर लोग अगर जाने लग गए जंगल में, गाड़ियां जाने लग गए तो उन लोगों की आदत नहीं होती है वैसी जानवरों की, कि सब लोग वहां पर जाए और उनको डिस्टर्ब करे, हैं? तो वो ऐसे वातावरण में वाइल्ड एनिमल्स नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या ऐसे वातावरण में? वो आराम से अकेले, उनको नेचुरल होता है कि वो अकेले रहते हैं और अपने हिसाब से रहते हैं, वो लोगों के बीच में नहीं रह सकते और उनको उनका डिस्टर्बेंस भी पसंद नहीं रहता है, ठीक है? तो इसलिए उनका एरिया होता है वो फिक्स कर रखा होता है हर जगह पे। नीचे है ब्लैक बक, क्या है नीचे? द ब्लैक बक, देखा है ब्लैक बक? क्या होता है ब्लैक बक बताओ? हाँ? द ब्लैक बक इज नॉन आल्सो नॉन एज आल्सो नॉन एज द इंडियन एंटीलोप। इंडियन यानी मृग, इसको बोलते हैं मृग, हिरन मृग है ना। तो एंटीलोप्स आर टाइप्स ऑफ डियर। डियर एक जैसे हिरन होता है वैसे ही ये भी होता है, ठीक है? ब्लैक बक द मेल ब्लैक बक, मेल यानी मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं। मेल और फीमेल मींस क्या होता है? फीमेल मींस नर, जेंट्स में जो आते हैं, पुरुषों में, आया समझ में? और फीमेल लेडीज में आती है, मेल नर में आता है और फीमेल लेडीज में। ऐसे उस जानवरों में भी तो होते हैं ना, बंदर बंदरिया नहीं होते, होते हैं ना मोर मोरनी, उसमें भी मेल फीमेल होते हैं और इंसानों में भी होते हैं मेल फीमेल। तो मेल होता है मेल ब्लैक बक, इन साइज लार्जर साइज बड़ी साइज में होता है, जो मेल होता है वो बड़ी साइज में होता है। इन हैज लार्ज एंड ट्विस्टेड हॉर्न्स, और उसके जो हॉर्न यानी होते हैं सिंग, ये हॉर्न मींस क्या होते हैं? देखो बड़े बड़े सिंग होते हैं मेल ब्लैक बक के, क्या होते हैं? बड़े बड़े सिंग होते हैं और बड़ी साइज में होता है ये, क्या होता है? द फीमेल्स हैव शॉर्ट हॉर्न, फीमेल्स के क्या होते हैं? छोटी साइज के हॉर्न होते हैं, छोटी साइज के हॉर्न होते हैं, और मेल के क्या होते हैं? बड़ी साइज के हॉर्न होते हैं। मेल में क्या होते हैं? हॉर्न यानी सिंग, हॉर्न मींस सिंग। तो ये मेल और फीमेल में ब्लैक बक होते हैं। द दीज एनिमल्स कैन सर्व इन सोसाइटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वाटर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पानी के आसपास, है ना? तो मंकी अब आया है। दीज आर कॉल्ड रेस्क्यू मेस्क्यू, इनको क्या बोलते हैं? द जंप फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द ट्रीज टू द अदर, आया समझ में? ये एक ब्रांच यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ ब्रांच पर जंप कर सकते हैं पेड़ों से, नहीं करते हैं? बताओ, बोलो। नहीं करते हैं, जंप करते हैं ना, बंदरों का एक ही तो काम होता है उछलना, जंप करना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, है? यस मैम। तो इनको बोलते हैं रिसेस मकाक, क्या बोलते हैं इनको? रिसेस मकाक। मंकीज आर वे लिव इन ग्रुप, मंकीज हमेशा ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप रहता है इनका एक। यस मैम, ये हमेशा ग्रुप में, एक मंकी जाएगा तो उसके पीछे पीछे 10 मंकी जाते हैं, तो ये ग्रुप में रहते हैं हमेशा। रणथंभौर में भी देखा होगा कितना ग्रुप रहता है इनका, बड़ा रहता है ना।
तो मंकी लिव इन ए ग्रुप ए मंकी पिक अप लाइस लाइस फ्रॉम द फर ऑफ अदर मंकी मंकी द बेबी मंकी क्लिंग्स टू द बैक ऑफ द मदर वो बेबी होते हैं इनके जो मंकी चिपके हुए रहते हैं ना मदर के रहते नहीं रहते हैं। अब आया बुल ब्लू बुल क्या है यानी कि ब्लू बुल्स आर नॉट बुल्स ब्लू बुल्स बुल्स नहीं होते दे आर ए टाइप ऑफ एंटीलोप वो मृग की तरह होते जो बैल की तरह ब्लू बुल्स आर नॉट बुल्स की तरह नहीं होते वो होते हैं एंटीलोप दे आर ए टाइप ऑफ एंटीलोप यानी कि हिरन की तरह होते हैं वो कैसे होते हैं तो इन हिंदी दे आर कॉल्ड नील गाय क्या बोलते हैं अपन को हिंदी में नील गाय बोलते हो ना नील गाय ब्लू बुल को क्या बोलते हैं अपन नील गाय नील गाय ये देखो ऐसी होती है ना ये नील गाय मैम हाँ दूसरी क्लास आने वाली है अभी कितने बजे आपकी 9:20 पर चलो आप यहाँ तक पढ़ लेना इनको ठीक है ओके रीड कर लेना वापस पूरा लेसन मैं कर दूंगी रख दूंगी।